हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक नए BGMI के गेम प्ले वीडियो में। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, दो हॉट ड्रॉप लोकेशन दी गई हैं। एक हॉट ड्रॉप लोकेशन है नोवो के पास और दूसरी है रोजोक के पास। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और हॉट ड्रॉप लोकेशन है और भाई वहां पे बंदे जो बैक टू बैक आए हैं हम लोगों के साथ फाइट करने के लिए। बस आज के पूरे गेम प्ले में यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और वहां पे जो बैक टू बैक स्क्वाड्स आई हैं और जो इंटेंस फाइट हुई है, बस देखते जाना। फिलहाल यहां पे मैं रोजोक के पास वाले हॉट ड्रॉप लोकेशन पे उतरता हूं। उतरने के साथ ही हमारे साथ दो तीन स्क्वाड उतरती हैं, तो फटाफट से मैं गन ढूंढता हूं और गन के नाम पे मुझे देखो क्या मिलता है। अब जैसे ही मुझे M24 मिलती है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई यहाँ पे ज़्यादा देर तक लुकना सही नहीं है, क्योंकि लूट वगैरह मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं इस टावर के पास आता हूँ। अब जैसे ही टावर पे आता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे बंदे होते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ कूदता हूँ, लेकिन सामने की तरफ ही बंदा होता है। अब मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे भी लूट नहीं मिलेगी, तो तुरंत ही पानी के अंदर चला जाता हूँ और ये वाले जो बंदे रहते हैं मेरे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास वेपन नहीं होता है तो ईजिली ये लोग मुझे मार देंगे। तो देखो आगे क्या होता है। अब मैं क्या ही कर सकता था, दो बंदे एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पे मारा जाता हूँ। खैर, मैं दूसरे वाले लोकेशन पे आता हूँ। ये दूसरा वाला हॉट ड्रॉप होता है नोवो वाला। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ तो बंदे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन मेरी वाली लोकेशन पे दो बंदे जो हैं आते हैं। मार्क द लोकेशन। दो बंदे अलग अलग एंगल से मारने का ट्राई कर रहे थे। खैर, दोनों को ही निपटा देता हूँ। अब यहाँ पे इनका तीसरा वाला बंदा रहता है, जो कि भाई सामने की तरफ टीपीपी लेता है और भाई पीछे से वो आके हम पे पुश करता है। तो यहाँ पे वो वाला बंदा भी दिमाग लगाता है, तो सामने की तरफ वो टीपीपी ले रहा था, यहाँ से मैं मॉली फेंकता हूँ और इतनी देर में ही बंदा रोटेशन मार के मेरे सामने की तरफ आ जाता है। और भाई इसी के साथ ही ये वाली स्क्वाड जो रहती है वाइप हो जाती है। खैर, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइडेंट खोलने के लिए आते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बंदे जो हैं कैंप लगा के बैठे थे। इसका टीममेट मुझे स्पॉट कर लेता है और यहाँ पे मेरी 1 HP हो जाती है, लेकिन देखो इसे आगे जाके कैसे पकड़ता हूँ। इसके पास होता है ऑटो रिवाइव और जैसे ही नीचे आता हूँ तो कुछ और बंदे भी होते हैं, तो शायद से इसके टीममेट होंगे। इसी के साथ ही हमारा इवेंट जो है क्लियर हो जाता है। तो फटाफट से ट्राइडेंट खोलते हैं और दो दो रिकॉल लग के हम लोग निकल जाते हैं। बंदे ढूंढते ढूंढते हम लोग आ जाते हैं रोजोक रिकॉल के पास और भाई यहाँ पे जो गेम प्ले होने वाला है बस तुम लोग देखते जाना, क्योंकि बैक टू बैक जो स्क्वाड का हम लोगों पर पुश आने वाला है, बस मज़े ही आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं ऑलरेडी कुछ बंदे होते हैं। ये वाली स्क्वाड को वाइप करने के बाद गाड़ी लेके, मतलब डासिया लेके एक पूरी स्क्वाड जो रहती है इस वाली लोकेशन पे आती है। तो यहाँ से मैं प्री ग्रेनेड खींच लेता हूँ।
अब जो बंदे हमने पहले मारे थे वो शायद से रिवेंज लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले मैं टीममेट को रिवाइव दे रहा था और भाई एक और स्क्वाड आ जाती है और इन लोगों की आपस में फाइट होने लगती है। मुझे यहाँ पे मौका मिल जाता है, उतनी देर में मैं मेरे टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ और भाई सामने की तरफ ही दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रही थी, तो देखो ये वाली स्क्वाड को भी कैसे वाइप आउट करता हूँ मैं। ये जो स्क्वाड मैंने अभी मारी है इसके बाद शायद से रिकॉल होगा क्योंकि सारे बंदे फिनिश नहीं हुए थे और भाई रिकॉल होने के बाद सीधा यहीं पे ही आते हैं ये बंदे। इसी के साथ ही ये वाले बंदे भी फिनिश हो जाते हैं, लेकिन रोजोक हिल के पास एक स्क्वाड थी जो काफ़ी देर से हम लोगों को देख रही थी, तो होता यूँ है कि वो स्क्वाड जो रहती है सीधा हम लोगों पे पुश कर देती है। अब मुझे फटाफट से कमेंट में बताना भाई कितने बंदे आए यहाँ पे, मतलब कितनी टोटल स्क्वाड आई और कितनी स्क्वाड से हम लोगों ने फाइट की। अब यहाँ से हम लोग फटाफट से लूट वगैरह करके निकलते हैं बंदों की तलाश में और आते हैं ये छोटे वाले इवेंट पे। अब जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो सामने की तरफ ही मुझे एक बंदा दिखता है जो कि भाई हवा में उड़ रहा था। अब बस तुम ये वाली फाइट देखना। अब ये टोटल कितने बंदे होते हैं पता नहीं है, बट फिलहाल दो बंदे होते हैं, एक बंदे को मैं मार देता हूँ, दूसरा वाला बंदा शायद से बाहर की तरफ प्रोन हो जाता है। अब इसका एक टीममेट जो है सामने की तरफ जो छोटा सा घर होता है उसके अंदर कैंप कर रहा था। अब मेरे टीममेट को हल्का सा फुटस्टेप आता है तो सीधा हमें जो हूँ उसे क्लोज इन कर लेता हूँ और फिर देखो सीन क्या होता है यहाँ पे। बंदा जो है पेटी के पीछे कैम्प कर रहा था जिस वजह से हम लोग उसे स्पॉट नहीं कर पाते हैं और इजीली वो हमें मार देता है। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।